यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए गमगीन माहौल में सुपुर्दे खाक किए गए ताजिए। मुहर्रम की 10 तारीख के मौके पर शनिवार को ताजियों का जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। ताजियों को गमगीन माहौल में कर्बला में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के जिले भर में इंतजाम किए थे। जगह जगह हर तिराहे चौराहे पर पुलिस की नाकाबंदी दिखाई दे रही थी। जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी भारी पुलिस बल के साथ नगर क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी पैनी नजर बनाए रहे। यौमे आसूरा के दिन इस्लाम के अनुयायियों ने सुबह कुरान खानी करके शरबत व अन्य खाने की चीजों पर नजरों न्याज कराई। मजलिसों ने नुहा खानी की गई। इस दौरान आलमे दीन ने तकरीर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाते हुए मुसलमानों को उन्हीं की तरह दीन की हिफाजत करने की ताकीद दी। जिसके बाद जुलूस की शक्ल में ताजिए कर्बला को रवाना हुए तो सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। या हुसैन की सदाओं से पूरा माहौल गमगीन हो गया। गमगीन माहौल में मातम के साथ ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन किया गया। और बुरा वाली गली होता हुआ तिकोना चौकी से सोनहाल किराए से चिलसरा रोड तक जाता है, और जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन थी हम लोगों ने उसी के चलते हुए पूरा काम किया। कोई भी नई परंपरा नहीं डाली है और नहीं कभी हम डालने देते हैं, क्योंकि हमारा जुलूस जो है वो आतंकवादियों के खिलाफ है, कातिलों के खिलाफ है, जालिमों के खिलाफ है, और ये हमारा मुल्क वफाओं का मुल्क है। पूरी दुनिया इमाम हुसैन को चाहती है, लेकिन इमाम हुसैन बल्कि हिंदुस्तान को चाहते हैं, और यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारे किसी भी जुलूस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हम लोगों को खुद शांति का पैगाम देते हैं। ज़्यादा शासन से भी कल भी हमने जिला प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी थी कि जो परंपरा है उसी तरीके से हमारा जुलूस निकलेगा, नहीं कोई परंपरा ना हम डालेंगे ना ही डालने देंगे। ज़्यादा सुबह से ही शासन और प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग था, और अभी भी प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। हमारा जुलूस अमन और चैन के साथ यहाँ तक आ गया। उम्मीद है कर्बला तक शांति के साथ भी पहुँचेगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने शांति का पैगाम दिया उस यजीद के खिलाफ जिसने बच्चों को औरतों को नहीं छोड़ा। लिहाजा दुनिया के में जो भी मुसलमान यजीद के नक्शे कदम पर चलता है वो वक्त का आतंकवादी बनता है, जो इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलता है वो मुल्क का वफादार बनता है।